हेलो एवरीवन, मैं सर श्वेतांब्रि शर्मा फ्रॉम KMS फैशन। आज हम सब ये जानेंगे कि हम टुका कैड के अंदर जो हमने अपने पैटर्न्स डेवलप किए थे, फ्रंट बॉडीज ब्लॉक हो गया, बैक बॉडीज ब्लॉक हो गया, स्लीव ब्लॉक हो गया, स्कर्ट हो गया और आने वाले और भी सारे ब्लॉक्स जो हम करेंगे उस पे हम सीम अलाउंस किस तरह से देंगे। तो आज हम जानेंगे कि हम अपने एडल्ट बॉडीज ब्लॉक और उसकी स्लीव पे सीम अलाउंस किस तरह से देंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो। सबसे पहले डेस्कटॉप पे अपना ओपन कर लीजिएगा। इस पे हमने एडल्ट बॉडीज ब्लॉक ऑलरेडी बना हुआ है। सीम अलाउंस डालने के लिए एस दबाइएगा तो ये सीम का आपका ऑन हो जाएगा। या फिर हम एक और चीज़, हमारी सीम कई बार शो होती है और कई बार हाइड होती है, तो व्यू में जाके हाइड और शो सीम पे क्लिक करेंगे हम तो हमारी सीम दिखने लग जाएगी। अब सबसे पहले सीम अलाउंस हम देते हैं अपने नेक लाइन पर। उसके लिए हम एक नोट तरफ की नोट से अगले तरफ की नोट तक क्लिक करेंगे, वैल्यू पुट करेंगे। हमने अपना सीम अलाउंस कितना लेना है इस चीज़ के लिए हम इस चीज़ को डिसाइड करेंगे। 0.75 लिया है हमने। इसको फिल करने के बाद हम ओके कर देंगे, जिससे हमारे सीम अलाउंस जो है वो डायरेक्टली अप्लाई हो जाएगी हमारी नेक लाइन पे। अपने हर गारमेंट के लिए अलग सीम अलाउंस होता है हमारा हर एक डायरेक्शंस में। ये हम ये देख लेते हैं कि स्टार्टिंग पॉइंट और एंड पॉइंट पे किस तरह का हमें नोट चाहिए, उसी अकॉर्डिंग हम ये करते हैं। इसके बाद हम अपने शोल्डर लाइन पे लेंगे सीम अलाउंस। हम एक साइड से क्लिक करके दूसरी साइड तक क्लिक करेंगे और अपनी वैल्यू पुट कर देंगे यहाँ पर भी हम, जो हमने अपने शोल्डर लाइन पे लेनी होगी सीम अलाउंस 1.5 सेंटीमीटर्स में। यहाँ हमारा वर्किंग यूनिट सेंटीमीटर्स में चल रहा है, इसलिए सीम अलाउंस भी सेंटीमीटर्स में होगा। अब आर्म होल पे हम लेंगे अपना 1 आर्म होल हाइयर शोल्डर पॉइंट से लेके जो हमारा कर्व तक होगा उतना हम पुट कर देंगे। देन साइड सीम में भी हम एक साइड से क्लिक करेंगे और दूसरी साइड तक उसको ड्रैग करेंगे, और जब ऐसा करने के बाद हम इस पे वैल्यू पुट कर देंगे साइड सीम के लिए। यहाँ पर हम पहले विड्थ में अपनी वैल्यू को पुट करेंगे, 3 सेंटीमीटर्स हम ले रहे हैं। देन हमारी हेम लाइन पे नीचे हमें कितना लेना है हम वो ले सकते हैं। यहाँ से हम जूम इन जूम आउट से और इसको डिफ़ाइन करके हमें ये पता चल सकता है कि हमारा पैटर्न किस तरह से वर्क कर रहा है, साइड्स अगर आपको शो ना हो रही हो तो। ऐसे ही हम हेम लाइन पे जो है हमारी विड्थ वो हम 1 सेंटीमीटर की लेंगे और ये सारी की सारी हमारी तैयार है। इससे ये होता है कि हमने इस तरह से अपनी सीम अलाउंस को लेना है, प्रिपेयर करना है। ये एक बेसिक पैटर्न है सीम अलाउंस का। वहीं हमारे सीम अलाउंस शो या हाइड ना हो रहे हों तो उसके लिए हम यही करेंगे। होपफुली आपको समझ आ गया हो कि किस तरह से हम अपने सीम अलाउंसेस देके अपने पैटर्न को कंप्लीट कर सकते हैं। तो अगर आपको कोई भी क्वेरी है, कोई भी आपको कोई चीज़ को समझ नहीं आई है, कोई भी कंसेप्ट, या आप कुछ और किसी और पैटर्न के लिए जानना चाहते हैं, तो प्लीज़ आप कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए KMS फैशन को। थैंक यू।